Hi guys, this is Keshav Valpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. A lot of you are willing to start preparation for CLAT 26, जो December 25 में होगा. So if you're in 11th standard right now, आप लोग just 10th का result आया है और 11th standard में आए हो. So what should you do and how should you start your preparation is something very important. So as a part of this video, I will be telling you everything that you need to know at this point in time about the CLAT preparation, about the CLAT pattern and how to start a preparation, because most of us आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की प्रेपरेशन को स्टार्ट कैसे करें. इस वीडियो को एंड तक देखना, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट कंसाइज डिस्कशन ऑफ वॉट टू डू एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन द प्रेपरेशन. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्लैट, राइट. सो वी ऑल नो दैट क्लैट फॉर यू, फॉर क्लैट 26 एस्पिरेंट्स, क्लैट 26, अगेन दिस इज कंफ्यूजिंग बिकॉज ये डिसंबर 25 में ही हो जाएगा. सो वाइल यू आर इन 12th स्टैंडर्ड ये एग्जाम आ जाएगा, तो अगर अभी आप 11th में हो तो उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट. सो दिस इज क्वेश्चन इज कौन अपियर हो सकता है. तो स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन 11th स्टैंडर्ड एंड दे विल बी इन 12th स्टैंडर्ड इन डिसंबर 2025, यू गाइस कैन अपियर फॉर इट. एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी, ऑल्दो उस टाइम तो आपके पास 12th का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपका जो एडमिशन होता है ना, वो 12th रिजल्ट के बाद ही होता है. सो यू नीड मिनिमम 45% कोई भी स्ट्रीम में इन योर 12th स्टैंडर्ड, बी इट ह्यूमैनिटीज, बी इट साइंस, बी इट कॉमर्स, स्ट्रीम का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम 45% चाहिए आपको कोई भी स्ट्रीम के लिए. The exam is of 120 minutes. You are asked 120 questions and the exam is divided into 5 sections. See, this is how it is divided. Okay. English language is the first section, about 23 to 25 marks. Current affairs, 28 to 32 marks. Same goes for legal reasoning. So, current affairs and legal reasoning covers roughly 50% of the paper. And logical reasoning, again, 23 to 25 marks. Then this is the subject, maths. Isko data interpretation bolte hai, which is 10 to 12 marks. Now see, these are some subjects जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना होगा. English is something that we have done in school as well. But होता क्या है, the level of English in CLAT is higher as compared to level of English what we do in our school, the comprehension passages that we do, right? उसके अलावा current affairs is something which is new. Some of us have interest in current affairs, most of us do not. Most of us, I would say all of us kind of hate maths, है ना. बहुत सारे, बहुत ही कम students होते हैं, मतलब 100 में से कोई एक बच्चा होता है जो बोलता है मुझे मैथ्स बहुत पसंद है. ज्यादातर लोग मैथ्स से भागते हैं, तो ये एक नई चीज होगी. लेकिन मैथ्स में इसमें ट्रिग्नोमेट्री या फिर कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा एल्जेब्रा नहीं आता. इट्स वेरी बेसिक मैथ्स, 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स होता है जो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है. इसमें कुछ 11th 12th का नहीं आएगा, 9th 10th का भी नहीं आएगा, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग दैट इज न्यू, इट इज ऑल्सो लाइक इंग्लिश बट इट इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट. अब हम कैसे समझेंगे, और ये लीगल रीजनिंग सबसे बड़ा, सबसे मेजर सब्जेक्ट होने वाला है, सबसे डिफरेंट सब्जेक्ट होने वाला है. अब एक और चीज मान के चलनी है, कई बार क्या होता है कि 120 मार्क्स का एग्जाम है और मान लो कि दो स्टूडेंट्स हैं जिनके 120 में से 80-80 मार्क्स आए हैं, लेकिन सेम रैंक है. अब सेम रैंक में कैसे उनको अलग अलग करें, तो लीगल रीजनिंग इज ऑल्सो द टाई ब्रेकर. सेम मार्क्स अगर आपके ओवरऑल आए हैं तो ये देखा जाता है कि दोनों के लीगल रीजनिंग में कितने नंबर आए हैं. तो जिसके लीगल रीजनिंग में ज्यादा नंबर आए होंगे ना, उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसकी रैंक ऊपर आएगी, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार कॉलेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि कई बार 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे एक ही मार्क्स पे होते हैं, तो फिर लीगल वाला सबसे ऊपर जाता है, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन एज समबडी जिसको क्लैट के बारे में बहुत कम पता है, इसी वीडियो से पता चल रहा है या फिर बहुत ही बेसिक आइडिया है. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स. हमारे पास 5 साल के पास्ट ईयर पेपर्स है विद द न्यू पैटर्न. 2020 में क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2020, 2021, 2023, 2024, 2024, ठीक है, 5 पेपर है हमारे पास जो ऑलरेडी हो चुके हैं. इनको आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस कैसे करना है, आप बोलोगे सर अभी तो हमें कुछ आता नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे. क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो, एवरी क्वेश्चन इज पैसेज बेस्ड. रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, रीड द पैसेज वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस. पहले पेपर 150 का होता था, अभी पिछले साल से पेपर 120 का हो गया है. जितने का भी पेपर है आप उसको कोशिश करके देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है वो चीजें पढ़ने में, कितना पैसेज आपको समझ में आ रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू आंसर. तो यू कैन डू 1 question paper अ डे, नोबडी इज आस्किंग यू टू डू ऑल 5 इन 1 डे, 1 question paper 1 day, बट उसको अच्छे से टाइम दो, है ना. ऐसा नहीं कि बस फटाफट 15 मिनट में ऊपर से देखो और भाग गए, नहीं, अच्छे से टाइम दो, कोशिश करो सॉल्व करने की. ये पेपर्स आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे ऑन एनी ऑनलाइन पोर्टल, है ना. आप गूगल करोगे नॉर्मली तो आपको इसके आंसर के साथ मिल जाता है. उसके अलावा नाउ मैंने आपको जैसे बताया पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश थोड़े से डिफिकल्ट है, तो ये एक हैबिट लगानी पड़ेगी हमको कि हम लोग थोड़ा सा बेटर इंग्लिश कर पाए, हमारा लैंग्वेज इंप्रूव हो, वोकैबुलरी इंप्रूव हो, रीडिंग स्पीड ऑल्सो गेट्स इंप्रूव. You have to start reading newspaper for that. This is something we've not done in school so far because हमें लगता है कि क्या जरूरत है ना, school के course का तो part नहीं है. तो कोई भी एक newspaper, either the Hindu or the Indian Express,
अगर ये आपके घर पे नहीं आता है, बाय चांस ऐसा होता है कई बार हम ऐसे टाउन्स में रहते हैं जहां पर हिंदू और एक्सप्रेस नहीं आते, तो आप उसका एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। दोनों के ई पेपर का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आता है, बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है, आप वो लेकर पढ़ सकते हो उसको प्रॉपरली। लेकिन देर इज नो डिस्काउंटिंग द फैक्ट दैट न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिक्वायर फॉर डेवलपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर क्लैट, तो वो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब हमने शुरू कर दिया प्रिपरेशन, लेट्स से वी आर वन हफ्ता इनटू द प्रिपरेशन, 5 दिन इसमें लगे, हमने एक आध दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ना शुरू कर दिया, एक हफ्ते का हमने कंटिन्यू किया। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, राइट। अगेन क्लैट न्यू पैटर्न के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए कोई क्लियर बुक नहीं है, राइट, बट वी हैव द बुक्स। आप लोग 12minutes to clat.com पर जा सकते हो, वहां से बुक्स ले सकते हो। इनफैक्ट यू कैन एनरोल इन दिस बैच कॉल्ड आगाज बैच दैट वी आर इंट्रोड्यूस फॉर यू रिसेंटली। दिस इज फॉर क्लैट एंड एलिट 26 एस्पिरेंट्स। यू कैन गो टू 12minutes to clat.com, ठीक है। दिस इज, अगर आप कहीं से भी रिलायबल जगह से कंपेयर करोगे ना, इट इज वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो, ठीक है। नोबडी इज आस्किंग कि यहां पर आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए दो, बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप वहां पर जाकर कुछ भी ज्यादा नहीं पाओगे, यू ऑल द एक्सपर्ट फैकल्टी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच एंड दीज आर द मेजर फीचर्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पर शकुंतला स्कॉलरशिप देते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी भी एस्पिरेंट की जो हमारे साथ पढ़ रहा है उसकी ऑल इंडिया रैंक 300 या उससे कम आती है जनरल कैटेगरी में, वी गिव देम 100% रिफंड ऑफ योर फीस एज वेल, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर मेरिटोक्रेसी को, यहाँ पर मेरिट को बहुत ज्यादा प्रमोट करना है। दिस इनिशिएटिव इज नॉट टू अर्न मनी पर से, वेरी अफोर्डेबल। आपको इसमें करीब 150 मॉक टेस्ट मिलेंगे, बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, ठीक है। आप एजुकेटर्स की सारी डेमो क्लासेस देख सकते हो उस बैच में जाके अंदर, है ना। उसके बाद में डाउट सेशन और स्ट्रेटेजी सेशन अलग से होंगे। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना रहता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स हमको पढ़ के स्टार्टिंग में नहीं समझ आते 3-4 महीने तक, तो हम यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल्स करके अलग से सेशंस करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग वो चीजें भी समझ पाओ, ठीक है। ऑल्सो इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, आपके घर पे बुक्स भेजी जाएंगी, विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट। तो रैदर देन गोइंग हियर एंड देयर, आप अपनी जगह पर बैठकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू द बैच, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी पर भी, या फिर 12minutes to clat.com पर जा सकते हो, आपको खुद ही वहां से वो बैच दिख जाएगा। इसमें एक एडिशनल आई गिव यू अ 12% ऑफ फॉर दोज वर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी बिफोर चेकिंग आउट, और आपको उसको 12% और ऑफ मिल जाएगा। दिस विल बिकम इवन मोर अफोर्डेबल फॉर यू, राइट, है ना। तो ये सब हो जाएगा जब हम थोड़ा बहुत समझने भी लग जाएंगे। तो जैसे ही हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए 1 महीना हो जाएगा, वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट ऑल्सो। मॉक टेस्ट क्यों करने पड़ते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको एप्लीकेशन आता है नहीं आता। कई बार हम सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं, हमें उसका एप्लीकेशन नहीं आता, और ये थोड़ा ना एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। दिस इज नॉट लाइक अ 12th, 10th का एग्जाम है, 11th का एग्जाम है, 9th स्टैंडर्ड का एग्जाम, जहां पर हमको पढ़ना ज्यादा पड़ता था और फिर सीधे एग्जाम में यू नो लिख देते थे हम जाके। यहाँ पर हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम जो आप बुक्स आपके घर पे भेजेंगे ना, तो उस बुक्स में भी देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, आपको पूरे 1.5 साल का जो आपका जर्नी रहेगा उसमें आपको 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। हम काफी सारे मॉक टेस्ट आपके घर पे भी भेजेंगे इन द लेटर पीरियड ऑफ दिस ऑफ योर पर्टिकुलर प्रिपरेशन, ताकि आप घर पे बैठ के ओएमआर शीट पर अच्छे से मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सको, एंड दिस विल बी अ परफेक्ट गाइड फॉर योर प्रिपरेशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज अ कमिटमेंट दैट आई टेक फॉर यू। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस आगाज बैच एंड विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर योर क्लैट 2026 प्रिपरेशन। गेट इन टू टॉप, यू कैन से टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, टॉप एनएलयूज इन इंडिया, ठीक है। एंड उसके बाद में ऑब्वियसली and we have this Shakuntala scholarship, and we would want as many people as possible to take advantage of that as well. All the best guys, I'll see you in class.